बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई विद्यालय। दिस साइड इज क्रेजी डॉक्टर जी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीन टाइप के टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था इपिथिल। इस वीडियो में हम देखने वाले कनेक्टिव, न्यूरल एंड मस्कुलर टिश्यू। जो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कॉकरोच पूरा ख़त्म कर देंगे। हमको जो रैबिट है या फ्रॉग है कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नेट में आने वाला नहीं। क्वेश्चन बनते हैं तो कॉकरोच से बनते हैं, अर्थवर्म भी अपने को पढ़ना नहीं है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शन है इसका फॉर द लाइकिंग, लिंकिंग, सपोर्टिंग टू अदर टिश्यूज एज वेल एज अ ऑर्गन एंड रेंज रहती है इसकी। स्पेशलाइज हो जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स इसके टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब ये क्या है, मोस्टली अबंडेंट टिश्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स और एनिमल्स। ये कॉम्प्लेक्स एनिमल में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, इस सेल में लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लूजली अरेंजमेंट होती है, इसलिए इसका नाम लूज अरेंजमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लूज इधर से इधर चौड़ने, थोड़ा सा लंबा इधर रहता, गैप रहता है इनके बीच में, थोड़ा सेमी फ्लूड्स रहती, मीन्स फ्लूड इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका पहला एग्जांपल है एलोलाई सेल प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कंटेन करते हैं फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज एंड मस्त सेल। अब क्या है फाइब्रोब्लास्ट, क्या होता है, कुछ नहीं, वो फाइबर्स सिक्रेट करता है, उसको हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। अब एलोलाई सेल मीन्स टिश्यू का क्या काम है कि सपोर्ट फॉर इपिथिलियम फ्रेमवर्क करता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथिलियम, इपिथिलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से एलोलाई टिश्यू सपोर्ट करता है। अब द सेकेंड वन होता है एडिपोज टिश्यू। इसका मेनली क्या काम है, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट एज वेल एज वो सेम एज वेल एज ये वर्क करता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो रहता है वो स्टोर करता है इज अ फॉर्म ऑफ फूड फैट। क्या ये प्रेजेंट रहता है लिवर में, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, जो अपना ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम एडिपोज टिश्यू करता है, एज वेल एज फैट में भी ये स्टोर करता है। अब एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडोंस से मीन्स इसमें फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण, इसलिए डेंस रहता है। इसका एग्जाम्पल टेंडोंस, जो मसल्स एंड बोन को कनेक्ट करता है, एंड सेकंड इज़ लिगामेंट जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी माता क्या कहती है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज अ रेगुलर इरेगुलर पैटर्न्स कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पैटर्न मीन्स दो टाइप पड़ते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब डेंस रेगुलर में कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रो बिटवीन द मेन पैरल बंडल्स ऑफ, उसमें जो पैरल बंडल रहते हैं उसमें लूज सॉरी कोलेजन प्रेजेंट रहता है, एनसीईआरटी माता बोल रही है, जो डेंस रेगुलर पैटर्न रहता है उसमें। ओके, बंडल पैरल बंडल फाइबर्स, टेंडन विच अटैक स्केलेटन मसल्स टू बोन्स, उसको टेंडन बोल, लिगामेंट क्या बोन टू बोन करते हैं, इरेगुलर के एग्जांपल होगी। अब डेंस इरेगुलर के एग्जांपल क्या है, हैज अ फाइब्रोब्लास्ट, मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन और इन डिफरेंट, इसके एग्जांपल्स फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू होते हैं। ओके, मोस्टली कोलेजन उसमें प्रेजेंट होता है फॉर द सपोर्ट, मेनली फॉर द सपोर्ट उसका आता है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट। अब देखते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, सॉरी बोन एंड ब्लड, ये तीन हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इसके टाइप है। अब देखते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज में मेनली जो सेल रहता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ओके, और इसका काम क्या है कि जो इंक्लोज रहता है स्मॉल कैविटी, उसमें मैट्रिक्स सीक्रेट करने का, मीन्स जो मैट्रिक्स रहती कॉन्ड्रोसाइट में जो सेल है वो सिक्रेट करता है, सिक्रीशन का काम करता है कार्टिलेजेस। ओके, वो कार्टिलेज क्या सॉलिड रहते,
पायबल रहते हैं मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स, जो इम्ब्रियो स्टेज रहती है उसमें जो कार्टिलेज रहती है, लेकिन अडल्ट के बाद अडल्ट में बोन में कन्वर्ट हो जाती है। कार्टिलेज रिप्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज एंड एज वेल एज ईयर, ओके, अदर ईयर जॉइंट बिटवीन द एडजेसमेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट। ये बोलने का काम एनसीईआरटी माता बोल। अब बोन्स क्या है, कैल्शियम सॉल्ट एंड कैलोजन फाइबर के बने होते हैं। बोन सेल्स उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ओके, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। स्पेस उसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम लैक्नी बोलते हैं, ओके। अब बोन मैरो रहता है इन सम बोन्स साइट इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ ब्लड सेल, जैसे कि हमारा ह्यूमरस हो गया या ट्यूबर हो गया, उसको हम उधर आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनते हैं। ब्लड क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार होता है, टाइप होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज एक दूसरे को पैरेलली अरेंज होके माइक्रोफाइब्रिन बनाते हैं, उसके ही मसल हमको हम उसको ही मसल बोलते हैं। अब मसल के तीन टाइप, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल टेपर एंड में फ्यूजिफॉर्म होते हैं, जो हम मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में देख चुके हैं, ओके, दोनों एंड टेपर होते हैं, डू नॉट शो ट्रैक्टेशन, शो नहीं करते हैं। अब इनवॉलंटरी होते हैं, जो प्रेजेंट रहते इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटरस्टाइन, ओके, इसमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं। और स्केलेटन मसल अपने को मालूम है कि स्ट्राइटेड होते हैं और वो पूरे मस्कुलर जो जॉइनिंग उधर प्रेजेंट रहते हैं, जिधर बोन का अटैचमेंट मसल के साथ हो उधर स्केलेटन मसल प्रेजेंट होंगे, ओके। अब कार्डियक मसल कुछ नहीं, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं उसको ही हम कार्डियक मसल बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, अपने को नीट में आने वाला नहीं है। अब न्यूरल टिश्यू कुछ नहीं, न्यूरल टिश्यू जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द कंडीशन जैसे जैसे कंडीशन टेम्परेचर इन्वायरमेंट चेंज होगा उस हिसाब से जो स्टिमुलाई अपने को मिलेगा वो विद द हेल्प ऑफ न्यूरल टिश्यू मिलता है, ओके। उस हिसाब से अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगी या वो रिस्पॉन्स करेगी जो अपने को करना चाहिए। न्यूरल टिश्यू को छोड़ के न्यूरॉन उसका मेन यूनिट होता है न्यूरल टिश्यू का, उसको छोड़ के उसमें न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्शन सपोर्ट का काम करता है न्यूरॉन को। वो न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन वन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू आवर बॉडी, 50% से भी ज़्यादा न्यूरोग्लिया न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते। ध्यान में रखिए, इतना ही अपने को जानना था। इधर मस्कुलर हो गया, न्यूरल हो गया एंड स्मूथ मसल हो गया, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इतना ही अपने को जानना था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉकरोच।